जब सब कुछ शांत हुआ, ये संतों की अनूठी शैली होती है आशीर्वाद देने की। एक बार जोरदार तालियों के साथ संत भगवान के लिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि श्री कृष्ण जय जय राधा वत्सल भगवान की प्यार से बोली जय श्री राधे। तो जीवन में जब तक काम रूपी रावण शेष है, कृष्ण का आनंद प्रकट नहीं होगा। इसीलिए भागवत जी में राम जी सूर्य वंश की कथा, श्री राम जी की मर्यादा को जीवन में स्थापित करने के लिए परीक्षित के मनोमस्तिष्क में किंचित मात्र भी कोई काम शेष रह गया हो, उसका विध्वंस करने के लिए राम जी के प्रसंगों को, सूर्य वंश की कथा को कह करके सुनाया। तो आइए संक्षिप्त रूप में उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आदि नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के माध्यम से अनेक अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, ब्रह्मा जी ने ऋषियों की रचना की। कश्यप ऋषि के माध्यम से आगे जाकर के वैवस्वत मनु, और इसी वंश में आगे जाकर के विवास्वान सूर्य कह करके सम्राट महाराज हुए। वहां से सूर्य वंश की गाथा का वर्णन बताया गया। इसी वंश में आगे जाकर के महाराज बहुत सारे सम्राटों के नाम हैं भागवत में, उन नामों में जाने का समय नहीं। इस कुल में महाराज एक नभग हुए, नभग के यहाँ नाभाग हुए, नाभाग के यहाँ महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट, सकल भूमंडल के स्वामी महाराज अम्बरीश। आज से करीब करीब 9 लाख वर्ष से भी पहले की कथा है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितनी है कलयुग? 4,32,000। और द्वापर युग की उम्र है 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग के अंत में श्री राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ, करीब 9,95,000 वर्ष पूर्व की कथा ही है। कहते हैं ना, कृष्ण जो आए दो करीब करीब द्वापर युग में, आज से 5,155 साल। कितने साल पहले? 5,155 साल पूर्व जो है कृष्ण का आगमन, द्वापर युग का अंत। तो ये कृष्ण कथा
ये कृष्ण की भक्ति की परंपरा के तभी से है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन सबसे सृष्टि के प्रारंभ में मैं सबसे पहले ये जो गीता तुमको उपदेश दे रहा हूं, ये सबसे पहले मैंने भगवान सूर्य को उपदेश दिया है। सृष्टि के प्रारंभ में कृष्ण, कोई 5000 साल पुरानी कथा नहीं है, ये मत सोचना 5000 साल पुराना छोरा है। कृष्ण एक चेतना का नाम है, आदमी का नाम नहीं, शरीर का नाम नहीं, कृष्ण एक तत्व का नाम है। उस तत्व की बात है भागवत में, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत का सारांश है। एते चांग सकला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं श्री हरि। भागवत के प्रथम श्लोक में जो हमने मंत्र जाप किया ना, आपको जपवाया था, पहले महामंत्र का जाप कराया था। कृष्ण जो है कोई 5000 साल पुरानी बात नहीं, कब से कृष्ण है। ये जो सच्चिदानंद रूपाय मैंने कराया था ना आपसे, भागवत के प्रथम महात्म्य का प्रथम श्लोक, व्यास जी महाराज कह रहे हैं आज से 5000 साल पहले व्यास जी ने कहा। ये क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतवे, कृष्ण के लिए कहा। ये जो मंगलाचरण के पहले श्लोक में उन्होंने बताया कृष्ण कौन है, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण कोई 5000 साल पुरानी बात है, व्यास जी महाराज आज से 5000 वर्ष पूर्व कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्यादि हेतवे। श्री कृष्ण के लिए बताया, संसार की उत्पत्ति का मूल कारण कृष्ण बताया है। कब से? 5000 साल पर, 5000 साल पहले तो व्यास जी बता रहे हैं स्वयं कौन है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण श्री कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयम नमः, 5000 साल पहले व्यास जी ने कहा। इस सृष्टि को, इस जगत को, इस ब्रह्मांड की रचना का जो मूल कारण है वो भी श्री कृष्ण है। और इसी क्रम में ये मैं अम्बरीश महाराज की जो कथा सुना रहा हूं, ये अम्बरीश महाराज आज से 950,000 वर्ष पूर्व है। कृष्ण कब आए थे? 5000 साल पहले। एक और ये अम्बरीश महाराज आज से 950,000 वर्ष पूर्व जो है, अम्बरीश महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की बात समझ में आवे है कि नहीं आवे? बेरा को नहीं पट्टा है, आवे को नहीं आवे? मुंडी तो हिला दो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, ये भी बोल दो थोड़ा सा प्यार, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बताया आज से 5155 साल की कहानी नहीं, कृष्ण एक तत्व के रूप में एक सृष्टि के मूल कारक श्री कृष्ण है। यानी कि एते चांस कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, मैं ही सब कुछ हूं, सर्वत्र मैं हूं, मुझ में सब कुछ है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना है, मुझसे ही सब कुछ है और मैं सर्वत्र हूं और मुझ में ही सब कुछ है। अम्बरीश महाराज आज से 950,000 वर्ष पूर्व जो है, भगवान श्री कृष्ण सवई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन सहित संपूर्ण अंग इंद्रियों से कृष्ण की भक्ति करते थे, ऐसे भागवत में प्रसंग आता था। अम्बरीश महाराज 950,000 वर्ष पुरानी बात, अर्थात श्री कृष्ण कोई 5000 साल पहले की बात नहीं, ये तो अनंत अनंत वर्षों की यात्रा है। जगत की रचना का मूल कारक ही श्री कृष्ण है। कृष्ण ने स्वयं गीता में भी उन्होंने ये बात कही है, मैं मूल हूं, मुझसे ही समस्त जगत में जो है ये सत्ता, मेरी ही सत्ता व्याप्त है। एको हम बहुश्याम, एक हूं अनेक हो जाऊं, ऐसा करके अपनी सत्ता का विस्तार किया। गीता में सब कुछ उल्लेखित है।
महाराज अम्बरीश सकल भूमंडल के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट थे, हजारों दास दासियां, लेकिन जब तक आराधना की बात है कि अपने हाथों से प्रभु सेवा करते थे, कृष्ण की भक्ति करते थे, और खास करके एकादशी की भक्ति, एकादशी व्रत, यानी कौन कौन करता है एकादशी, हाथ ऊपर करना, हाँ जी जी, बड़ी मुश्किल से उठा रहे लोग, तो एकादशी मैं भी नहीं करता था, सच्ची बात है, मैं भी नहीं करता था पहले, वृंदावन जब से बैठने लगा तब से जाकर के धुन सवार हो गई। मैं वृंदावन एकादशी व्रत की बहुत दूर की बात है सज्जनों, एक बात बताऊं, मैं खुद ही वृंदावन रहना पसंद नहीं करता था, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, मैं घोर विरोधी रहा हूं, खुद स्वयं वृंदावन कोई रहने की जगह थोड़ी है, मैं कहता था। हमारे संत मित्र लोग सभी लोग कहते हैं कि बहुत पहले से बोलते थे कि वृंदावन में एक अपनी छोटी सी कुटिया होनी चाहिए, हमारे जो शास्त्री जी मुकुंद शरण जी महाराज और दूसरे हमारे हरिद्वार वाले शंकरण, सभी लोग जाना आना लगा रहता, जाता मैं भी था, जब कहते थे कि कुछ एक अपना होना चाहिए, थोड़ा सा अड्डा कुछ होना चाहिए, मैं कहता वृंदावन कोई रहने की जगह थोड़ी है, खारा खारा पानी है, गर्मी में इतनी खतरनाक गर्मी होती कि 50 के लगभग, और सर्दी में इतनी सर्दी होती कि बुरा हाल हो जाता, ये वृंदावन रहने की जगह नहीं है, मैं विरोध करता था, इसके चलते भी लेट हो गए वृंदावन में, नहीं तो बहुत पहले आश्रम बन जाता। तो बाकी जब ये घुंडी घुमाता तो ऐसी घुमा देता कि क्या कहने, ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया, अब वृंदावन छोड़ने का मन नहीं करता, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, अब वृंदावन से बाहर जाते तो अब मन तड़पता है कि कब जाएं कब जाएं कब जाएं, अब ऐसी तड़प उठती है, अब वही तो वृंदावन था, ये है जो एक बार वृंदावन जाता है वो बार बार कठोर से कठोर हृदय वाला भी एक बार ठुमका लगाए बिना वहां से आ नहीं सकता, वो है वो जो कठोर भी सिद्ध हो जाता है, एकदम सीधा हो जाता है, है तो अपने जैसे टेढ़ा बना देता है। तो इस तरह से वृंदावन, तो एकादशी मैं भी नहीं करता था, कभी नहीं किया, लेकिन वहां करते करते फिर अपने आप वृंदावन बैठने का मन हुआ, फिर धीरे धीरे एकादशी का भी मन हुआ, एकादशी का फलाहार करके करते थे, फिर अब धीरे धीरे मन हुआ कि फलाहार भी नहीं, सिर्फ गर्म पानी पी करके परिक्रमा वृंदावन की, अपने आप भाव बनता गया, इस तरह से भाव बनता गया, आगे आगे जो भी जिस तरह से वो नचाए हम नाचते रहेंगे, पर उसमें बड़ा आनंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, ने बोल दे तुसी की गल है, नाराज हो गए तुसी है, कोई ऐसी बात तो नहीं ना, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो अम्बरीश महाराज एकादशी की व्रत करते थे, लेकिन हद तो वो क्या करते थे, बोले तीन दिन करते थे, एक दिन नहीं एकादशी, दसवीं की तिथि से शुरू करते थे, दसवीं एकादशी और द्वादशी के दिन पारण करते थे, उद्यापन करते, एक दिन निर्जला की एकादशी आ गई, भीषण गर्मी होती जून में, निर्जला एकादशी के दिन वो व्रत उद्यापन की तैयारी कर रहे थे सकल भूमंडल के स्वामी महाराज चक्रवर्ती सम्राट। तो ठाकुर जी के सामने व्रत निष्ठा में थे, अनुष्ठान में थे, व्रत उद्यापन करके द्वादशी की तिथि को व्रत पालन करने की तैयारी करने लगे। व्रत उद्यापन कर लें तो उद्यापन करने के लिए ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान संपन्न कराया, और उसके बाद कुछ प्रसाद बनाया, प्रभु को भोग अर्पण करके जब भोजन प्रसाद ग्रहण प्रसाद रूप में ग्रहण करने की तैयारी, इतने में दुर्वासा ऋषि का प्रवेश हो गया। तो संतों को देख करके गदगद हो गए, आहो मेरा सौभाग्य ये है कि मैं व्रत उद्यापन कर रहा, मेरा अनुष्ठान सुंदर बनाने के लिए संत भगवान का आगमन हुआ, जैसे आज देखो ना सुंदर आयोजन और उसमें भी आज भगवान का आगमन, और ऐसे में संतों का भी आगमन देखो आज, संत भगवान का किस रूप में, विविध रूप में। ऐसे ही अम्बरीश महाराज के सामने दुर्वासा महाराज का प्रवेश हुआ, गदगद हुए, जो अनुष्ठान कर रहे थे उसको छोड़ दिया, अहो अहो आइए आइए ऋषिवर, आपके आने से मेरा अनुष्ठान सफल होने जा रहा है,
कृपा करके मेरा निमंत्रण स्वीकार किए करिए और पहले आप प्रसाद पाइए, उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूं तो मेरा व्रत सफल होगा, आपका आशीर्वाद जीवन धन्य होगा। ठीक है, स्वीकार किया। अरे महाराज, मैं जरा दूर से हमें स्नान कर लूं, थोड़ा नदी में चले गए स्नान करने। महाराज ध्यान रखिए, द्वादशी से पहले पहले आ जाना, द्वादशी तक आ जाना, त्रयोदशी लग जाए तो मेरा तो चौपट हो जाएगा, व्रत भंग हो जाएगा। बात सुन करके चले गए स्नान करने, लगे नदी में स्नान करके संध्या भजन में लगे तो संत मौज में चले गए, समाधि लग गई। संतों की मौज है तो समाधि लग गई। थोड़ा एक तरफ ऐसा करो, थोड़ा सा आप लोग सभी आगे आ जाओ, माताओं को इधर बिठा लो। हाँ, थोड़े थोड़े कृपा करके इस तरफ, ये जो है ना स्टैंड, इसको अलग करो और कृपा करके आगे आ जाए सभी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, जो भी माताएं आए पीछे बिठा लेना इसमें। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, वत्सल भगवान की। दुर्वासा की समाधि लग गई और इधर अम्बरीश छटपटाने लगे कि अब एक तरफ तो दुर्वासा जी का क्रोध, दूसरी तरफ व्रत भंग करने होने का खतरा, त्रयोदशी लग जाए तो मेरा अनुष्ठान भंग हो जाएगा, क्या करें। तो ब्राह्मणों ने सलाह दी कि महाराज घबराने की जरूरत नहीं, प्रभु को अर्पित जो चरणामृत है सिर्फ चरणामृत का पान करिए, फिर प्रतीक्षा करिए संत भगवान का, उनकी प्रतीक्षा करिए। बात जच गई, बात जच गई, अब कोई खतरा नहीं, अब व्रत भंग होने का खतरा भी नहीं और दुर्वासा जी का स्वागत भी हो जाएगा। अब इधर दुर्वासा जी का ध्यान टूटा बहुत समय व्यतीत होने के बाद। अरे मैंने तो अम्बरीश को वचन दिया था, वो डर रहा होगा, घबरा रहा हो क्योंकि उसका व्रत भंग होने का खतरा, और मुझसे पहले भोजन कर लिया तो मैं श्राप दे दूंगा, मेरे श्राप का खतरा उसको, मेरे श्राप के डर से डरता होगा, कांप रहा होगा। पर अम्बरीश मन में अपने आप ऐसी धारणा बना ली अपने, क्योंकि क्रोध आवेश में कभी भी किसी पर छोड़ देते थे, मन में ख्याल पालने लगे कि ओहो अम्बरीश डर रहा होगा, घबराया होगा मेरे श्राप के डर से। तो जाके देखा तो अम्बरीश मुस्कुराते हुए स्वागत करने लगे, अहोभाग्य हमारा, आइए गुरुवर। दुर्वासा ने अर्थ लगाया, ये डर नहीं रहा है, ये परेशान नहीं है, मुस्कुराता हुआ कर रहा, इसका मतलब है इसने व्रत उद्यापन कर लिया है, यानी कि प्रसाद इसने ग्रहण कर लिया। मुझे बुला करके, मुझे निमंत्रण देके, संतों को घर में बुला के पहले खा लो, बुरी बात तो है ना, मर्यादा तो है, संतों को किसी महापुरुष को घर में बुलाएं और पहले आप खाओ और बाद में जूठा उठा, कहीं कोई आदत होती नहीं, जो प्रसाद जो घर में रखा होता है ये भी इस भी खिलाएं, संतों को भी वही खिलाएंगे, वो जूठा पुठा सब, ये संतों के साथ मर्यादा में ये नहीं चलते। कई घरों में देखते ये जूठा है पैकेट खोला और ये साधमान है, इधर गृहस्थियों को भी वो खिलाया, जो घर गृहस्थी भी वही खा ले महाराज, तो ये तरीका, एक मर्यादा, जीवन की मर्यादा। तो इसने ये मुस्कुराता हुआ स्वागत करा, इसका अर्थ है इसने व्रत उद्यापन कर लिया है, अर्थ लगाया। फिर गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, अरे इस दुष्ट ने मुझे बुला के मेरा अपमान किया, एक बाल नोचा, मेरे तो बाल भी नहीं है, एक बाल खाड़ा, उसमें से उस बाल को जमीन पे पटका मारा, तो कृत्या नाम की दानवी पे
प्रकट हो गई। महाराज आदेश किया, आदेश यह है कि इस दुष्ट ने मेरा अपमान किया, इसको मार डालो, खा डालो। और जहां जहां भक्त हैं वहीं वहीं भगवंत हैं। जाको राखे साईया मार सके, कौन मार सकता है भला। भगवान की भक्ति में लीन भक्त जहां है वहां भला कोई उसका बाल बांका कर सकता है। भगवान के, भगवान तो कहते अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त का गुलाम हूं। और जब मैं स्वयं गुलाम हूं तो मेरी सारी चीजें उन्हीं की हैं, उन्हीं की सेवा में। सुदर्शन चक्र जो है सामने प्रस्तुत हुआ और उसने कृत्या नाम की दानवी का संहार कर दिया, पर वो सुदर्शन चक्र शांत न हुआ। इस बाबे की वजह से मेरे शिष्य को, जो मेरे भक्त को परेशानी हुई है सुदर्शन चक्र ने, ये दुर्वासा की वजह से सब गड़बड़ हुई है। अगर ना ये सब दानवी पैदा करता तो काम खराब। तो इसलिए अब सुदर्शन चक्र कृत्या को नष्ट करने के बाद बाबे की तरफ, दुर्वासा ऋषि की तरफ है, इसको मार डालूंगा, इसकी वजह से मेरा भक्त परेशान हुआ। अब दुर्वासा आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाया, बचाओ बचाओ बचाओ। किसी ने कहा यहाँ तो सुदर्शन चक्र को शांत करने वाला कोई नहीं। देवलोक में चले गए, सब ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु हमारे बस की बात नहीं। भगवान शंकर के पास गए, सब जगह चारों ब्रह्मलोक चले गए, कहीं बात नहीं बनी तो बैकुंठ में पहुंच गए, बचाओ बचाओ। भगवान विष्णु ने देखा, अरे दुर्वासा आइए, ऋषिवर आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है, बैकुंठ में आपका स्वागत। अरे भगवान स्वागत सत्कार बाद में करियो, पहले बचाओ इसे सुदर्शन से मुझे। तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों का अधीन है। पूरी दुनिया को नचाने वाला भगवान भक्तों के प्रेम के सामने वो स्वयं नाचता है। ऑफिस में अनेक प्रकार के स्टाफ के सामने डांटता है, डपटता है, वहां बाबू बनकर के सब पर राज करने वाला ऑफिसर घर में आकर के पोते के सामने घोड़ा बन जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की प्रेम की ताकत है। दुनिया को नचाने वाला, ब्रह्मांड को नचाने वाला ब्रह्म जो है परमात्मा, भक्तों के प्रेम के सामने बौना बन जाता है, गुलाम बन जाता है। अहम भक्त पराधीना, मैं उनका अधीन हूं, गुलाम हूं। इसलिए मेरे जो भी है वही उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा कहना नहीं मानते, वो तो भक्तों का कहना मानते। इसलिए हे महाराज, आपने जिसका बिगाड़ा उन्हीं के पास जाइए, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने भी बाय बाय कर दिया, मेरे बस की बात को नहीं। तो अपना सा मुंह लेकर के दुर्वासा लौट के आए, अम्बरीश महाराज के सामने हाथ जोड़ दिए, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हे भक्त, आपकी भक्ति के सामने मेरा सारा दंभ चूर चूर हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तब अम्बरीश महाराज ने हाथ जोड़ दिए तो सुदर्शन महाराज शांत हो गए। ये तो कथा है, लेकिन इसके पीछे की बात, संदेश को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसके पीछे का संदेश पकड़ना जरूरी है। ये सुदर्शन क्या है? बोले सुदर्शन का मतलब, तात्पर्य क्या है? सुदर्शन एक दृष्टिकोण का नाम है, नजर है। इस नजर को भी, दृष्टि को भी सुदर्शन कहा जाता है। किसी की निगाह बहुत सुंदर, प्यारी आंखें हो ना, कितनी प्यारी, सुदर्शन। ये सुदर्शन का मतलब जिसके पास शुभ दृष्टिकोण है, सर्वत्र शुभ दर्शनम इति सुदर्शनम, जिसको शुभ शुभ दिखाई देता हो, मणि मणि जगह में भी अच्छा दिखाई दे जिसको। किसी को कली दिखती है कमल की कीचड़ में, दृष्टिकोण देखिए, किसी को कली दिखती है कमल की कीचड़ में और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। कोई चांद में भी दाग ढूंढने में लगा हुआ है, कोई कीचड़ में भी कमल ढूंढने में लगा है। कीचड़ है तो क्या हुआ, इसी में तो कमल खिलता है। दृष्टिकोण है, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी नजर वैसा नजराना, यादृशी भावना में यत्स्यात् सिद्धिर् भवति तादृशी। तो ये दृष्टि, दृष्टि कमल, जिसके पास नजर शुभ, बहुत मणि जगह में भी जिसको शुभ शुभ दिखाई देता, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच जिसके पास है, उस दृष्टि का नाम ही सुदर्शन है।
एकादशी क्या है? एकादशी संस्कृत का शब्द है। एकादश का मतलब है ग्यारह। कई जगह पर तो ग्यारस बोलते हैं इसको, है? कई जगह पंजाबी लोग तो बिगाड़ देते हैं। कई पंजाब में जाता हूँ, एकादशी नहीं बोलते, एकादशी पूरा उच्चारण नहीं होता, काश्ती काश्ती बोल देते, काश्ती। यहाँ क्या बोलते हैं? हाँ जी, एकादशी, एकादशी होते। तो अलग अलग उच्चारण है, पर एकादश मतलब ग्यारह। क्या ग्यारह? पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, और साथ में मन, मन के नेतृत्व में पांच कर्म इंद्रियां और पांच ज्ञान इंद्रियां सहित उन सबको नियंत्रण करके मन सहित उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब बैठना, किसके? अपने इष्ट के। अपने इष्ट के पास संपूर्ण अंग इंद्रियों को निग्रह करके इस तरह से बैठो, इस तरह से उपासना में खो जाओ, लीन हो जाओ, उस भक्ति करने की सुंदर आदत का नाम ही एकादशी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। समझ में आ रही है इनकी बात? एकादशी का मतलब, और ये सब जीवन विज्ञान है हमारे, जो हिंदू सनातन परंपरा में जो भी नियम है ये सब विज्ञान है, जीवन, लाइफ साइंस। जीवन क्या है? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ? लाइफ इज प्रेजेंट इन दिस टाइम, इन करेंट, अभी ये जो है वर्तमान हमारे साथ में, इसका नाम है जीवन। जीवन का मतलब वर्तमान। क्या है जीवन? जीवन वर्तमान ही जीवन, पास्ट भूत वो हमारा नहीं था, वो होता तो मेरे पास होता। जो वर्तमान मेरे हाथ में, यही है जीवन। भविष्य भी जब भी मेरे पास आएगा तो वर्तमान बन के आएगा। वर्तमान ही जीवन है, और उस जीवन को सुंदर तरीके से संचालन करने की विद्या का नाम है धर्म, जिसको कहते जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने का तरीका, ये जीवन विज्ञान। एकादशी, ये जो डॉक्टर, आज के डॉक्टर कहने लगे हफ्ते में एक बार कम से कम फलाहार करो, फलाहार नहीं तो उपवास करो, कुछ भी मत खाओ, गर्म पानी पियो, जीवन के लिए बहुत अच्छा है, स्वस्थ शरीर के लिए, ये बताएगा। हम नहीं कर पाते। ऋषि मुनि तो आज के डॉक्टर से बहुत पहले के डॉक्टर थे। आज का विज्ञान जहाँ पूरा होता है, हमारा सनातन संस्कृति का विज्ञान वहां से प्रारंभ होता है, बहुत उच्च कोटि का विज्ञान। और उसके वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया। ये एकादशी व्रत, ये सब जो है इसके पीछे का साइंस है। हफ्ते में एक दिन उपवास रहेंगे तो हमारे शरीर की जो नस नाड़ियां हैं इनको रेस्ट देना जरूरी है। जो खाया, जीवन भर खाते रहेंगे उसको भी रेस्ट देना जरूरी है, तो शरीर, शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अब हफ्ते में नहीं कर सकते, कम से कम 15 दिन में एक बार उपवास रहो। फलाहार के नाम पर, फलाहार के, उपवास के नाम पर, व्रत के नाम पर, व्रत नहीं भरत ज्यादा होता, व्रत नहीं कि भरत ज्यादा होता, फलाहार के नाम पर इतने आइटम हो जाते, बाप रे, लिस्ट ऑफ नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्र के टाइम में बल्ले 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 लिस्ट बनेगी, है? आज की बनावा, कल नु की बनावा, टिक्के की रोटियां, है? और बल्ले बल्ले इतना आइटम होता, 10 गुना ज्यादा हैवी हो जाता हो। और पंजाबियों का तो खान पान गजब ही होता है, तल्ली मल्ली चीजें, और वो इतना हैवी, व्रत के नाम पर इतना भरत होता कि वो पचाना मुश्किल हो जाता है, और ये 9 दिन के नवरात्रे करके बाद में बीमार हो जाते हैं, है? और भारत का जो प्रधानमंत्री है, आप जानते हैं ना क्यों ने, कौन जानते हैं? जानते हैं अपने सरकार मोदी जी क्या करते पता है? नवरात्र में 9 दिन तक सिर्फ गर्म पानी पी के करते हैं, सिर्फ 9 दिन 9 गर्म पानी। जब पहले प्रधानमंत्री बने थे, अमेरिका यात्रा करने गए, तो उस समय ओबामा वहां का राष्ट्रपति था, उसने बड़ा स्वागत सत्कार के भारत का प्रधानमंत्री आए, खूब खान पीन उनका तो उल्टा पुल्टा सब, सुना कि वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन बोले बहुत खान पान रखा, तो वहां मोदी ने सिर्फ गर्म पानी मंगा के पिया, और 9 दिन 10 दिन कितने दिन की वहां वहीं रहा सिर्फ गर्म पानी पी करके। तो उस अपने ऑटोबायोग्राफी में ओबामा ने अपनी किताब लिखी, वो हैरानी के साथ मोदी की प्रशंसा करता उसमें, ऐसे ऐसे तपस्वियों के हाथ में देश की बागडोर है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो संतों का देश बना हुआ है,
चारों तरफ संत ही संत। जितना हम शरीर में ठूसेंगे भरेंगे और हमारी योग्यता से ज्यादा भरेंगे तो वो बहुत नुकसानदायक होगा। हफ्ते में ना सही, कम से कम 15 दिन में एक बार एकादशी के बहाने, भगवान के बहाने से कम कर लेंगे, बोल के ऋषि मुनियों ने ये नियम बनाया। भगवान हमारे करने न करने से भगवान को कोई जरूरत नहीं, हम भूखे रहें चाहे खाएं भगवान को जरूरत नहीं, लेकिन नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान है। हम ये पूजा आरती कथा सत्संग ना भी करेंगे तो भगवान को की बाल मां का होने वाला नहीं, लेकिन जीवन हमारा तबाह होगा। ये सारी नियमावली जितने भी ये क्रम है, ये हमारे जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए है। इसलिए 15 दिन में एकादशी के उसमें जितना हो सके, ये जो फलाहार खाने की छूट तो उनके लिए थी जो असक्त हैं, बच्चे वृद्ध और बीमार, इनके लिए डिस्काउंट थी, ये सबके लिए थोड़ी थी, सबके लिए नहीं है ये डिस्काउंट। जो फलाहार खाने की छूट थी, फलाहार उनके लिए जिसको जो बीमार है तो दवाई खाने के लिए खाना पड़ेगा कुछ, तो उसके लिए फलाहार कुछ हल्का ले लो। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको देना है, और जो बुजुर्ग हैं उनको, उनके लिए डिस्काउंट थी, सबके लिए नहीं। तो ये है फलाहार का नियम, व्रत का नियम। इस तरह से उस दिन व्रत 15 दिन में एक बार बिल्कुल निराहार रहो, गर्म पानी पियो, फिर देखना आपका शरीर कितना स्वस्थ होता जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नहीं बोलते भगवान कैसे आएंगे आपके पास, बताइए। मैंने कल क्या बोला था, कुछ लेके आओ चाहे ना ले आओ, वृंदावन के ब्रज गोप ग्वाल गोपियों की तरह मन लेके आना, हृदय लेके आना, ताकि आप सबके हृदय में श्री कृष्ण का प्राकट्य हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तू सीधे बोल दे नहीं बे, तो ये गल ठीक नहीं। इसलिए हाजिरी लगाया करो, भगवान को भी लगना चाहिए वृंदावन से भी अच्छी अच्छी गोपियां यहाँ है, तभी तो आएंगे, नहीं तो दूर से बाई बाई करके चले जाएंगे। इसलिए हाजिरी लगा दे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हाँ, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपसे भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह से बहुत सुंदर प्रसंग के माध्यम से हमें एकादशी व्रत की महिमा बताई, और आगे जाकर के इसी क्रम में महाराज गंगावतरण का प्रसंग है। महाराज सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करने का निर्णय किया, अश्वमेध यज्ञ। श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बड़ा यज्ञ अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने का निर्णय किया था। अश्वमेध यज्ञ करने का नियम यह था कि बहुत बड़ा बलशाली अश्व को, घोड़े को मुक्त किया जाता, उसको हर कोई पकड़ नहीं सकता, नियंत्रित नहीं, कोई महाप्रतापी बलशाली वही कर सकता था। तो उसको नियंत्रित करके उसके साथ युद्ध, कोई नियंत्रण करता, फिर उसके साथ युद्ध करते, फिर उसको घोड़े को मुक्त करके लाते, फिर आगे आगे अनुष्ठान संपन्न होता। तो इस क्रम में 99 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे महाराज सगर। सगर का नाम सगर कैसे पड़ा, बोले गरे न सहितम इति सगर। सगर की माँ जब ब्याह करके उनके महाराज के यहाँ आई, सगर की माँ को संतान नहीं हुई, दूसरी पत्नी लेके आए, दूसरी रानी लेके आए, फिर उसको संतान हो गई, तो प्रभु कृपा हो गई, तो सगर की माँ को भी खुशी का वातावरण मिला। तो जब दूसरी लेके आए, उसने संतान को जन्म दिया था, तो दूसरी जो सौत माता थी उसने सोचा पहले रानी का जो पहला बेटा हो वही राजा होता था। अब ये पहली रानी, अब ये सगर्भा हो गई है, तो इसका मतलब मेरा बेटे को हक इसका छीना जाएगा, सत्ता मिलते मिलते खिसक गई है। तो उसने चालाकी से जहर जो है विषपान, तब देखो हजारों लाखों साल पहले भी ये चीजें होती थी, तो विषपान कराया माँ को। तो लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोई, तो उस आते हुए जहर को, विष को मुट्ठी में भींच लिया। बच्चा आता है ना, पैदा होता तो मुट्ठी बांध के आता है, ऐसा कुछ मुट्ठी बांध के जैसे सगर बाहर आए,
तो जैसे मुट्ठी खोली तो वो पिलाया गया, जहर था मुट्ठी में बंद था, खोला तो दिख गया। तो गरे न सहित, गर कहते हैं विष को, गरे न सहितम इति सगर, विष के साथ बाहर आने की वजह से उनका नाम सगर हुआ। तो इन्होंने 99 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, जो 100 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर ले तो वो स्वर्ग का राजा इंद्र बनने का अधिकारी होता, इतना पुण्य प्रताप मिलता। तो 100वां घोड़ा छोड़ा गया, जब देखा कि इंद्र अब मेरी कुर्सी खतरे में है कि इसका 100वां पूरा होगा तो इंद्र बनेगा, मुझे मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो इंद्र ने रूप धारण करके आया और उस घोड़े का अपहरण किया और जाकर के कलकत्ते से आगे गंगा सागर है ना, सभी तीर्थ बार बार गंगा सागर, आप में से अनेक लोग गए होंगे। गंगा सागर के किनारे में माता जी देखिए, हर काम में माता जी देखिए, कितना अनुष्ठान में हर जगह पर कोई शुभ काम हो माता जी इसी का पुण्य प्रताप है, आज हम सब ये आनंद प्राप्त कर रहे हैं, वही संस्कार। तो कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर के किनारे अभी जाइएगा, वहां आश्रम अभी भी है। तो आश्रम के आगे एक वृक्ष के साथ उस घोड़े को बांध दिया इंद्र ने, छुप गया। और सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा कि जाओ पता करो घोड़े को, और घोड़ा का आता पता नहीं, दूर चारों तरफ पूरे विश्व में भ्रमण किया, कहीं घोड़ा पता आता पता नहीं। तो ढूंढते ढूंढते जब गंगा सागर के किनारे कपिल मुनि के आंगन में घोड़ा बंधा हुआ दिखा, तो बगल में कोई ऋषि संत जो है ध्यान में मगन है, कपिल मुनि घोड़ा बंधा हुआ देख करके, अरे 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 हमारा घोड़ा तो यहां बंधा हुआ है। तो फिर उनमें से कपिल सगर के 60,000 पुत्रों ने सोचा ये तो लगता है कोई चोर है, हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है, इसने हमारे घोड़े का अपहरण किया, ये दुष्ट चोर लगता है, इसको तो सजा देनी चाहिए, और लगे गालियां देने, अपशब्द संत को अपमानित करने लगे, ऋषि को अपशब्द कहने लगे, अपमानित भरे शब्दों का गालियां देने लगे। तो इसको उठाओ ले चलो महाराज के सामने, इसको दंडित करना चाहिए आदि आदि कोला। 60,000 लोग एक साथ बोल पड़े तो कितना कोलाहल हुआ, और कपिल की समाधि टूट गई और समाधि भंग हो गई और आंखें खुल गई, नेत्रों से ज्वाला निकली, सगर के 60,000 पुत्र जल करके वहीं भस्म हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये सब कथानक हैं, इसको समझने जैसी बात, भूल से भी गलती से भी किसी संत को किसी ब्राह्मण को किसी ऋषि मुनियों को आहत मत करना, ध्यान रखना। अगर नहीं उनका हृदय दुखी हो गया, द्रवित हो गया, आहत अगर हो गए और अंतर से अगर उनका दुखी मन से कुछ आह निकल जाए, बचाने वाला भगवान भी नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सगर के 60,000 पुत्र जो है जल करके भस्म, जो करेगा सो भरेगा, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी के पास नहीं, जो जैसा है करेगा भरेगा है? किसी के बारे में जो भी अंट बंट बोल करके अपने मन को मैला न करो, अपनी जुबान को मैला न करो, किसी संत को किसी ब्राह्मण को किसी ऋषि मुनियों को आहत मत कर देना, दुखी मत करना, कब न जाने क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी के लिए कथा है। और जल करके भस्म हो गए। इधर प्रतीक्षा हो रही है सगर की, घोड़ा आए तो यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करे, घोड़े का आता पता नहीं, भतीजे अंशुमान को भेजा, जाओ बेटा पता करो। चारों तरफ भ्रमण के बाद जब वो पहुंचे तो इन्होंने मर्यादा रखी, जाकर के कपिल नारायण को प्रणाम किया, वंदन, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने घोड़े को ले चले। उनकी बात देख करके, भावना उनकी मर्यादा देख करके, जाओ बेटा ले जाओ अपने घोड़े को, पर तुम्हारा अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जो सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हैं, जब तक इनका उद्धार नहीं होगा
फिर तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होगा। फिर कैसे करें महाराज, आप ही उपाय बताइए। अब किसी प्रकार गंगा मैया का स्पर्श, गंगा जल का स्पर्श हो तो इनको सदगति मिलेगी। गंगा मैया को मनाओ। तो महाराज अंशुमान लग गए गंगा की साधना में, बात नहीं बनी। और इस कुल में महाराज आगे जाकर के महाराज दिलीप महाराज ने भी साम्राज्य से बचा हुआ समय गंगा की उपासना के लगाया, फिर भी गंगा प्रसन्न नहीं हुई। फिर दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ ने तो अपना संपूर्ण जीवन गंगा माता को प्रसन्न करने में लगाया। तीन तीन पीढ़ी की भक्ति सफल हुई, गंगा मां प्रकट हो गई। बोले गंगे मैया की। गंगा मां ने कहा बेटा बताओ, माता जी अपने पूर्वजों का उद्धार करना है, चलिए। गंगा को सूक्ष्म अभिमान कि मैं आऊंगी भगवान के धाम से तो धरती मेरे वेग को सहन नहीं कर सकी, मेरा प्रवाह इतना तेज होगा धरती डूब जाएगी। सूक्ष्म आभास, एक छोटा सा अभिमान कहीं ना कहीं दिखा। इसलिए ऐसा करो, मुझे कोई धारण करने वाला कोई हो। अब मुझे माताजी, अब आप ही बताइए, आपको कौन धारण कर सकता है। तो गंगा मैया ने कहा ऐसा करो, भोले शंकर को बुलाओ। भोले शंकर अगर मुझे मस्तक में धारण करने को तैयार हो तो मैं धरती में आने को तैयार हूं। तो भोले शंकर को मनाया महाराज भगीरथ ने, आइए कुछ क्षण के लिए भोले शंकर, तो आइए थोड़ी देर के लिए भोले शंकर को मनाए, फिर आगे चलेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, 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 जाने वो जिसने तेरी लगन लगा।
परिवार है तेरा, जन जन से है तेरा नाता, ये सृष्टि परिवार है तेरा, जन जन से है तेरा नाता, जग बगिया चाहूंगा। एक बार आप भी हमारे साथ मिलकर के प्रयास करें थोड़ा सा बोलने का। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली है। जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने। और एक बार दोनों हाथ ऊपर करके, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, जाने वो जिसने तेरी लगन लगा ली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, शंकर भगवान की। आशुतोष उनका नाम, आशुतोष सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता, तुरंत प्रकट हो गए महाराज। गंगा माता को धारण करिए, कैलाश में बैठ करके भोले बाबा ने जटाओं को यूं फैलाया, यूं फैलाया। गंगा मैया भगवान के चरणों से निस्सृत होकर के इठलाती बलखलाती कलकलाती पूरे भारतवर्ष को पवित्र करने के भाव से आई, लेकिन भोले शंकर ने जटाओं को यूं फैलाया कि गंगा मैया भोले शंकर की जटाओं में उलझ के रह गई। फिर भगीरथ महाराज ने कहा, बाबा जी लेके बैठ गए माथे में, अपने पूर्वजों का उद्धार करना है तो कृपा करके हमारी विनंती सुनिए, मेरे पूर्वजों का उद्धार हो। आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो गए और जटाओं से गंगा मैया को मुक्त किया। फिर कलकलाती बलखलाती बलखाती इठलाती धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष को पवित्र करने के भाव से गोमुख, गंगोत्री गोमुख से प्रकट हो करके धीरे धीरे उत्तराखंड की धरती को, उत्तर प्रदेश की धरती को करते करते पूरे भारतवर्ष को पवित्र करती करती गंगा मैया गंगा सागर की तरफ बढ़ने लगी। सागर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म थे, उनके ऊपर से होकर के गंगा माँ गुजरी। गंगा मैया का स्पर्श पाते ही उन सबको देव रूप प्राप्त हुआ। सागर के 60,000 पुत्र देवताओं का जैसा रूप धारण करके, और इतने में भगवान के विमान आए, उन सब विमानों में बैठ करके गंगा के 60,000 सागर पुत्र जो है देव रूप धारण करके भगवान के धाम प्रवेश कर गए, उन सबको मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, गंगे मैया की जय। उस दिन के बाद ये परंपरा चल पड़ी कि गंगा माई के स्पर्श से ही मुक्ति प्राप्त होगी। तो धीरे धीरे सभी को तो गंगा वहां नहीं पहुंच पाते, तो ये अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया वहां से प्रारंभ हुई। आज भी कई लोग हैं काशी का मरण बहुत पुण्यदायी मानते, काशी में जाके मरना, बुढ़ापा जो है काशी में जाके मरना चाहते हैं कि गंगा मैया का स्पर्श होगा मुक्ति मिलेगी। जीवन भर दुनिया का काम करेंगे, अंतिम जो है गंगा के किनारे कोई हरिद्वार
कोई काशी, कोई प्रयाग में जाकर के जीवन का अंत जो है शाम, जीवन की शाम वहां गुजारना चाहता है। लेकिन इसके पीछे का भी एक विज्ञान है, ये भी विज्ञान है, इसके पीछे पे एक रहस्य बसा हुआ है कि अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया, सभी लोग तो गंगा में जाकर के मर नहीं सकते, और गंगा में जाकर के मर लें तो मुक्ति मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है? गंगा में स्नान कर लिया तो मुक्ति मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? लेकिन इसके पीछे का साइंस विज्ञान बहुत जबरदस्त है। विज्ञान ये है, इंसान के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी के काम आता हो। हमारे पशुओं की तो हड्डी हड्डी गोबर मूत्र सब कुछ काम आता है ना, लेकिन इंसान के पास ऐसा कुछ भी नहीं, हर जगह से गंदगी के अलावा कुछ नहीं। ये तो प्रभु ने कृपा कर दी, चमड़ी लगा करके कवर कर दिया, नहीं तो ये देखने लायक भी नहीं है। क्या है हमारे पास? कुछ भी काम नहीं आता। किसी ने कहा, बंदा बंदगी करे तो बंदा, वरना गंदे का गंदा। बंदगी करे तो बंदा है, उसको बंदा बोले। बंदगी करे तो बंदा, वरना गंदे का गंदा। तो बंदगी न करने वाला एक, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो किसी के काम आए। तो कम से कम मरता मरता इंसान, ऋषि मुनियों ने सोचा इसके जीवन में ऐसा कोई सुकृत्य नहीं जो किसी के काम आए, तो कम से कम ये जो अस्थि विसर्जन की प्रक्रिया नदियों में, दरिया में जो डालने की परंपरा जन बनी, पता है ये जो खाद बनती है, आप डालते हो ना खाद, खाद में सबसे ज्यादा मात्रा हड्डियों का होता है, हड्डियों की होती है, किसान लोग जानते हैं, हड्डियों से बनती खाद है ना। ये हड्डियां तो पशुओं की हड्डियां तो इस तरह से काम आती है, तो इंसान की जो अस्थि है नदियों में डालने का मतलब ये था कि ये अस्थियां उस नदियों में जाने पर दो तीन काम करती है। इससे सर्वप्रथम तो जल प्रदूषण दूर होता है, जल शुद्धि होती है अस्थियों से, ध्यान रखिए वैज्ञानिक बात है, कृषि अनुसंधान में ये सब पढ़ना पड़ता है। ये अस्थियां जो डालते हैं, हड्डियां डालते हैं, इससे जल प्रदूषण, और जल के अंदर जीव हैं उनके लिए जीवन युक्त, उनके लिए जीवन रसायन बनता है उसमें से। साथ में जल में जो पानी है, जो हड्डियां अस्थि विसर्जन किया जाता है, तो उस जल के अंदर उर्वरा शक्ति पैदा होती है, वो जल फिर खेती में डालते हैं तो उसमें उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अस्थि विसर्जन किया हुआ जो जल है, उस जल को भूमि में डालेंगे तो भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो इस कम से कम इंसान की अस्थि मरते मरते उसमें डाल दें, ताकि इस जल में उर्वरा शक्ति बढ़े, वहां जल शुद्धि हो, उसके बाद इस जगत का कल्याण हो, खेत हरा भरा हो, इस भाव के साथ ऋषि मुनियों ने यह परंपरा डाली। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यह अस्थि विसर्जन, हड्डी डाल के मुक्ति मिलेगी न मिलेगी कुछ नहीं पता, ध्यान रखना, मुक्ति तो तब मिलेगी जब आप जीवन भर सही काम करोगे, जीवन रहते ही। मुक्ति की गारंटी हड्डी डालने से नहीं है, ध्यान रखना, अस्थि डालने से मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं, लेकिन हमारे द्वारा अंतिम जीवन का अंतिम जो हमारा हिस्सा है वो जल में डाला, और आपने उस जल में उर्वरा शक्ति बढ़ाई, और उस जल को डाल के भूमि हरी भरी हो गई, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, और उस हरे भरे छांव के नीचे बैठकर लोग जब दुआ देते हैं, उस दुआ से आपके जीवन मालोमाल होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये चीज, ये विज्ञान है सारा, जीवन साइंस, लाइफ साइंस, ये चीज। तो इस तरह से वहां से परंपरा चल पड़ी। हर गंगे मई, गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगे मैं, ताली बजाते हुए प्यार से, जय जय हो गंगे मैया तुम्हारी, मीठी मीठी ताली सेवा, गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय जय हो, माँ भवानी तुम्हारी।
शंकरी तुम्हारी जय जय हो, शंकरी तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, विष्णुपदी तुम्हारी जय जय हो, तेरी जय जय हो, तेरी जय जय हो, जन्म हुआ था भगवान का 12 बजे अभी तक।